हेलो व्यूवर्स, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। तो काफ़ी सारी चीज़ें हम इस वीडियो में कवर करेंगे। स्मैकडाउन होने वाली है, उसके अंदर WWE ने कुछ एडवर्टाइजमेंट की है, तो उसके ऊपर भी थोड़ा सा ध्यान देते हैं। तो चलिए सबसे पहली स्टोरी की तरफ चलते हैं, तो वो है AOP रिटर्न। देखो भाई, AOP आपको पता होगा WWE में थे, 26 हफ्ते हो चुके हैं भाई, ये गायब से हो गए हैं। 26 हफ्ते पहले WWE ने इनको रिलीज कर दिया था, अब इन भी नहीं रहे कहीं भी। ऐसे रूमर्स की मानी जाए रिसेंट टाइम में, तो भाई ये अपना रिटर्न करने वाले हैं प्रो रेसलिंग के अंदर। अब देखते हैं कि भाई क्या AEW में आएंगे या फिर WWE में आएंगे या फिर इम्पैक्ट रेसलिंग में भी आ सकते हैं। तो अब WWE चाहे तो इनको ले सकते हैं, क्योंकि काफ़ी बार WWE को हमने देखा है कि जिस बंदे को उन्होंने रिलीज़ किया है, उसके बाद उनका जो पोटेंशियल है वो देख के उनको वापस बुला लेती है। तो शायद से AOP को भी वो बुला सकती है। तो अब चलिए दूसरी स्टोरी की तरफ चलते हैं, तो भाई वो है WWE कंसीडरिंग न्यू गेम। देखो भाई, WWE एक न्यू गेम कंसीडर कर रही है, जहाँ पे हमको स्टेफनी मैकमैन रिवील कर देती है कि WWE हम एक नया गेम बना रहे हैं, उसका नाम जो है RPG है, मतलब कि रोल प्लेइंग गेम। मतलब कि आपको जो कैरेक्टर दिया जाता है उसका आपको रोल प्ले करना पड़ता है, मतलब कि एज करियर ही समझ लो, करियर का गेम होता है जिसके ऊपर खेल सकते हो। तो भाई ये स्मार्टफोन में हमको देखने को मिलेगा, ये काफ़ी अच्छी बात है, काफ़ी सारा ध्यान है, क्योंकि WWE खुद ही एक गेम ला रही है। सबसे पहले ये जो है मोबाइल के अंदर हमको गेम नहीं देखने को मिलेगा, सबसे पहले ये गेमिंग प्लेटफॉर्म में आएगा, उसके बाद जो है हमको पक्का 100% श्योर है कि ये मोबाइल में आ जाएगा, एज स्टेफनी मैकमैन ने हमको बताया एक इंटरव्यू में। तो अब चलिए हम दूसरी स्टोरी की तरफ चलते हैं भाई, ये शार्लेट फ्लेयर के ऊपर। शार्लेट फ्लेयर ने रिवील किया है, उन्होंने पहले रिक फ्लेयर ने कहा था कि मेरी बेटी भी एक रोमन रेंग्स की तरह ही है, वो भी शायद से यूनिफिकेशन चैंपियन डिजर्व करती है, उन्होंने ये कहा था रिसेंट टाइम में कुछ दिन पहले। बट अभी जो है हमको शार्लेट फ्लेयर ये कहती हुई दिखाई देती है, वो कहती है कि रोमन रेंग्स जैसा मुझे भी रेंग चाहिए, मुझे भी यूनिफिकेशन मैच चाहिए, अगर मेरे बस की बात हो तो मैं भी वो यूनिफिकेशन मैच कर सकती हूँ, रॉ और स्मैकडाउन की चैंपियन के लिए बन सकती हूँ। रोमन रेंग्स जैसा टाइटल मुझे चाहिए एज रनिंग टाइम। अब देखो, रोमन रेंग्स एक साल से टाइटल डिफेंड कर रहे हैं, तो वो कहते हैं कि मैं भी वो कर सकती हूँ, मुझे भी वो चाहिए। तो WWE देखते हैं कि भाई क्या शार्लेट फ्लेयर यूनिफिकेशन वुमन यूनिफिकेशन चैंपियन बन सकती है, ऐसे तो मुझे लग नहीं रहा है, क्योंकि भाई शायद से बैकलैश में शार्लेट फ्लेयर वो कह भी रहेंगी यूनिफिकेशन बनेंगी, बट शायद से बैकलैश में वो हार भी सकती है रोंडा रॉजी के, और तो यही कह रहे हैं। तो देखते हैं, चलिए अब स्टोरी डेवलप करते हैं। तो भाई वो है WWE प्लानिंग कर रही है परफॉर्मेंस सेंटर को एक्सपांड करने के लिए। देखो आप देखो WWE परफॉर्मेंस सेंटर को आगे बढ़ाने के लिए, एक्सपांड करने के लिए, परफॉर्मेंस सेंटर काफ़ी कम सिटीज़ में है, तो अब वो कंट्री में भी करना चाहती है, जैसे कि भाई वो जापान हो, इंडिया हो, UK हो, अब देखो सब तरफ वो करना चाहती है। कोविड की वजह से ये जो प्लान था ये कैंसिल हो गया था, बट अभी भी हमको सोर्सेस की मानी जाए तो भाई अभी भी WWE ये प्लान को लेकर रखी है। अब उन्होंने रिवील कर दिया है कि वो प्लानिंग शुरू हो चुकी है, अब हमको जल्दी से शायद इंडिया में भी देख सकते, क्योंकि भाई इंडिया जो है सबसे ज़्यादा डिमांड में रहती है, WWE के व्यूवरशिप है सबसे ज़्यादा इंडिया से ही आते हैं, सबसे पहली जगह वो देखें, कंट्री वो देखें तो इंडिया ही हो सकती है, ऐसा सोर्सेस का मानना है। तो अब चलिए हम दूसरी स्टोरी की तरफ चलते हैं, तो भाई वो है RK ब्रोज एडवर्टाइज है कल की स्मैकडाउन के लिए। देखो कल की स्मैकडाउन जो होने वाली है उसके अंदर RK ब्रोज आ सकते हैं, हाँ, जैसे कि मंडे नाइट रॉ में रोमन रेंग्स द ब्लड लाइन आए थे, वैसे ही RK ब्रोज कोई जजमेंट के लिए आ सकते हैं कल की स्मैकडाउन में। आने के बाद ड्रू मैकइंटायर तो ऑब्वियसली स्मैकडाउन के ही है, तो वो तो वहीं पर रहेंगे, तो देखते हैं भाई कल की स्मैकडाउन में काफ़ी सारी चीज़ें हो सकती है, काफ़ी मज़ेदार हो सकता है स्मैकडाउन पिछले हफ्ते की तरह ही, तो देखते हैं। तो आज चलिए दूसरी स्टोरी की तरफ चलते हैं, तो भाई वो है कोडी रोड्स की भी मैच है। देखो कल कोडी रोड्स भी हमको स्मैकडाउन में देखने को मिलेंगे रॉलिंस के अगेंस्ट, सेथ रॉलिंस भी देखने को मिलेंगे। कोडी रोड्स और सेथ रॉलिंस की मैच है, डार्क मैच है भाई, ये डार्क मैच कॉन्सेप्ट कुछ अलग ही होता है WWE का। देखो ये डार्क मैच है, अब यहाँ पे जो है हमको स्मैकडाउन में देखने को मिलेगी बिटवीन कोडी रोड्स वर्सेस सेथ रॉलिंस। तो अब चलिए दूसरी स्टोरी की तरफ चलते हैं, तो ड्रू मैकइंटायर खफा है WWE से, खफा है भाई। देखो ड्रू मैकइंटायर कह देंगे भाई एक ही बंदे को दोनों टाइटल नहीं दे सकते, जैसे कि यूनिवर्सल चैंपियन और वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन, दो आपके पास ब्रांड है, एक स्मैकडाउन एक रॉ, तो आपके पास भी दो सुपरस्टार होने चाहिए वो टाइटल को हैंडल करने के लिए, ना ही एक ही। अब एक ही आप टाइटल रखोगे तो काफ़ी सारे फैंस वो बोर हो जाएंगे कि बार बार इसको ही देखना पड़ रहा है, अब दो लोगों को रखो, दो लोग अच्छे तरीके से संभाल सकते हैं, रोमन रेंग्स नहीं संभाल सकता ये अच्छी तरीके से, ये कहते हुए दिखाई देते हैं वो।
अब हम चलते हैं लास्ट एंड फाइनल स्टोरी की तरफ। देखो भाई, बैक लास्ट में मेन इवेंट मैच है, द ब्लड लाइन वर्सेज आरके ब्रोज एंड ड्रू मैकइंटायर। ना ही टैग टीम टाइटल मैच है, ना ही भाई यूनिवर्सल मैच है, नॉन टाइटल मैच है। इसके अंदर ऑड्स जो है, जो जीतेंगे वो ऑड्स आ रहे हैं ड्रू मैकइंटायर को फर्स्ट रखा है, तो ज्यादा ऑड नंबर में भाई ड्रू मैकइंटायर और आरके ब्रोज है, और अंडरडॉग यहाँ पे ब्लड लाइन है, तो टाइटल मैच है नहीं। इसके अंदर ट्विस्ट एंड टर्न बहुत सारे देखने को मिलेंगे, तो अब देखते हैं कि भाई ऐसा कुछ होगा या फिर नहीं होगा, बेबी फेस रोमन रेंज बनेंगे या नहीं बनेंगे, तो उसकी बात तो हम बाद में ही करेंगे। तो ये थे हमारी लास्ट में फाइनल स्टोरी, होप यू लाइक इट। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड सब्सक्राइब इट, बाय।